थम गया तीसरे चरण का चुनावी शोर। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग, 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सीएम योगी की कुर्सी नहीं देकर अपमान वाले बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार, बीजेपी का काम ही है नकारात्मकता और अशांति पैदा करना, हार की चिंता से बड़ी बौखलाहट। कानपुर की रैली से सीएम योगी का सपा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, अहमदाबाद आतंकी घटना से जुड़े सपा के तार, ब्लास्ट के दोषी के पिता का समाजवादी पार्टी से संबंध है। सपा पर असदुद्दीन ओवैसी का करारा वार, सपा को सिर्फ चाहिए मुसलमानों का वोट। अयोध्या में जेपी नड्डा ने एसपी पर निशाना साधा, कहा अगर आपके पास राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आए, वोट मांगने आए तो पूछना राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाए। मैनपुरी में सीएम योगी ने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस सपा और बसपा ने यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। मैनपुरी में सीएम योगी का माफियाओं को संदेश, अभी बुलडोजर रेस्ट कराए, मरम्मत के लिए भेजा बुलडोजर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा पहले और दूसरे चरण में बढ़त बना ली, तीसरे और चौथे चरण के मतदान में दोहरा शतक लगाने का दावा। जालौन में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा, बोले जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वो पहले चरण में ठंडे पड़ गए। जौनपुर में 172 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन। समाजवादी पार्टी को जौनपुर चुनाव में हिंसा की आशंका, चुनाव आयोग से सपा ने अतिरिक्त फोर्स की मांग की। जौनपुर की मल्हनी सीट से चुनाव लड़ रहे धनंजय सिंह, दबंग छवि के नेता है जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह। सांसदों विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जाहिर की।